मैं हूँ जियान दोस्तों, सबसे ताकतवर। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तुमने अपने क्या शोर मचा रखा है ऊपर? सुनियो, तुम्हारे घर मेहमान आने की वजह से हम वहाँ भी नहीं जा सकते, और खेलने के लिए नोबिता का घर बहुत छोटा है। मुझे पता है। क्या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं जो हम यहाँ कर सकते हैं? हाँ, अरे हाँ, डोरेमोन, क्या तुम सुनियो की नकल उतार सकते हो? ठीक है, अब मैं बिल्कुल सुनियो की तरह बोलकर दिखाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे पास एक नया वीडियो गेम भी आया है, और मेरे पापा की कंपनी बहुत बड़ी है। मैं इस तरह से मुंह कभी नहीं बनाता, समझे तुम लोग? और अब मैं नोबिता की तरह बोलकर दिखाऊंगा। प्लीज डोरेमोन, मुझे वो गैजेट दे दो। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ डोरेमोन। बहुत अच्छे। अब मैं किसकी तरह बोलूँ? शिजुका की तरह बोलो। क्या? लेकिन अब तो तुम्हारी बारी है ना जियान। सुनियो, तुम बताओ किसकी बारी है, जियान या शिजुका? मॉम, आप मुझे बहुत काम देती रहती हैं। मुझे खेलना भी है, मैं क्या सब्जियां ही बेचता रहूंगा? बहुत अच्छे। अरे ये तो मेरी नकल थी। तुम सब नहीं बचोगे। तुम सबसे कितनी बार कहना पड़ेगा शोर मत मचाओ? ये मैंने पूरी पढ़ ली। फिर मिलते हैं दोस्तों। ओके बाय। अच्छा तो फिर मिलेंगे। अगर हमारे पास खेलने की जगह होती तो कितना मजा आता ना। जियान सुनो। हाँ मॉम, क्या आप मुझे काम के लिए बुला रही हैं? यहाँ पर सारा सामान ठीक से रखो, समझ गए तुम? आप भी बस काम ही करवाती रहती हैं मुझसे। क्या कहा? ठीक है, मैं अभी करता हूँ मॉम। ऐसा कोई रूम हो जहाँ हम अपना काम कर सकें। अरे सुनियो, तुम इस वक्त क्यों खा रहे हो? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसी जगह जहाँ हमें कोई भी रोके टोके नहीं। शिजुका, यहाँ आओ, किचन में तुम्हारी जरूरत है। अच्छा ठीक है मम्मा। ऐसी जगह जो सिर्फ बच्चों के लिए हो। अच्छा तो ये बात है नोबिता, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मेरे पास एक नया गैजेट है, अपार्टमेंट ट्री। क्योंकि ये एक नया गैजेट है इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जरा ये किताब पढ़ने दो। बीज बोने के 10 मिनट में ही अपार्टमेंट ट्री उग जाएगा। क्या ये सच में 10 मिनट में तैयार हो जाएगा? अरे वाह, ये तो बढ़ने लगा। 10 मिनट पूरे हो गए। लेकिन ये अपार्टमेंट जैसा नहीं है, ये तो कोई गुफा लगती है। हाँ तुमने सही कहा नोबिता। हाँ? अंदर तो बहुत अंधेरा है। ध्यान से जाना नोबिता। हाँ? इसमें लिखा है कि इसके अंदर कमरे भी बने हुए हैं। किस तरह के? इसमें लिखा है कि वो कमरे पेड़ की जड़ों से बने होंगे। अच्छा तो हमें जड़ी ढूंढनी चाहिए। मैं ढूंढना शुरू करता हूँ। लेकिन ध्यान से नोबिता। वाह, यहाँ तो काफी ठंडा है, बहुत मजा आएगा, बढ़िया है। तुम्हें कुछ मिला? हम सब लोग यहाँ आराम से खेल सकते हैं, है ना? अरे वाह, बारिश तो रुक गई है। खेलने की एक बढ़िया जगह मिली है शिजुका। क्या सच में? तुम जितना शोर करके खेलना चाहते हो खेल सकते हो। क्या सच में? तुम सब अपने काम की चीज ले आना, ठीक है? ठीक है, हम समझ गए। क्या सब लोग आ रहे हैं? हाँ वो लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे पियानो और एक दो चीजें और चाहिए डोरेमोन। ठीक है। इस गैजेट की मदद से हम चीजों को छोटा करके वहाँ ले जा सकते हैं। मुझे सिर्फ यही चीजें अपने साथ ले जानी है और कुछ नहीं। डोरेमोन शिजुका, कहीं ये जियान गाना तो नहीं गाने वाला है? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। देखो मैं भी अपने साथ सामान ले आया हूँ। क्या तुम ये सब ले जाओगे? हाँ बस थोड़ा ही तो है, ज्यादा थोड़ी है। तो दोस्तों अब तुम यहाँ अपनी अपनी जगह पसंद कर लो, फिर मैं तुम सबका सामान दे दूँगा। नोबिता, ये है तुम्हारा बिस्तर और साथ में तुम्हारी अलमारी भी है। शुक्रिया डोरेमोन। बाकी चीजें बाद में दूंगा। और बाकी चीजों को बाद में बड़ा करूंगा। बाय। तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं पियानो बजा सकती हूँ जितना चाहूँ। अरे तुमने तो अभी से गाना शुरू कर दिया जियान।
यहाँ कोई मुझसे नहीं बच पाएगा। अरे वाह, यहाँ पर टीवी कितना साफ आ रहा है। लेकिन मुझे एंटीना लगाने में बहुत परेशानी हुई। सब कुछ ठीक हो गया, सब लोग बहुत खुश हैं। नोबिता, डोरेमोन कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ हो नोबिता? हाँ, ये कहाँ से आया? पहले तो यहाँ पर नहीं था ये। नोबिता, डोरेमोन, ये आवाज तो, अरे ये तो मॉम है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सबको रात को घर जाना चाहिए? हाँ, मेरी मॉम भी परेशान हो रही होंगी। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ कल मिलेंगे। ओके, कल मिलते हैं नोबिता, ठीक है? बाय बाय। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। नोबिता, हाँ? अब हम कहाँ खेलने जाएंगे? किसने किया होगा ये सब? हाँ? अरे ये क्या, इसमें तो लिखा है कि अपार्टमेंट ट्री एक्सिट के लिए ही था। और वो चीजें जो हमने इसमें छोड़ी थी, वो तो जमीन के नीचे ही होंगी। क्या? सब लोग आते ही होंगे, अब हम क्या करें डोरेमोन? जमीन को खोदना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मेरा टीवी और बाकी सब चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। मुझे अपना कैजो के बहुत प्यारा है। पता है, ध्यान से सुनो नोबिता, मेरे प्यारे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे पता है।